हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स ओलंपियाड के। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिया था फिजिक्स ओलंपियाड पे, आज हम इसका कंप्लीट सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सो लास्ट तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किसका क्या सिलेबस है और कौन सी बुक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से। स्टेज फर्स्ट में दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि इसमें कंप्लीट इलेवेंथ और ट्वेल्थ आप थॉरली फॉलो करिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आते हैं एनएसईपी के। तो मतलब जैसे सेम एज जेईई मेंस, जैसे जेईई मेंस का पेपर का मतलब सिलेबस है सेम, वैसे ही है एनएसईपी को। एनएसईपी क्रॉस करना बहुत ही आम बात है। तो सो अब इसके बाद मोर देन जेईई एडवांस, मतलब जेईई एडवांस आप सबको पता होगा, जो लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं मतलब नीट आईआईटी की, उन्हें पता होगा कि एडवांस का सिलेबस कम होता है। तो उसमें सेमी कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो है वो मोर देन जेईई एडवांस ही है। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेम एज जेईई एडवांस, जो आईएमपीएचओ का एग्जाम होता है वो सेम होता है जेईई एडवांस के जैसे। इसमें कोई भी दो राय नहीं होती, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी जेईई एडवांस के ही कि जैसे ही होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट का पॉइंट है। स्टेज थर्ड की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी इलेवेंथ और ट्वेल्थ को आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। दोस्तों, रिलेटिविटी जो के जो क्वेश्चन स्टेज सेकंड में नहीं आते आई एन पी एच ओ में, लेकिन आई पी एच ओ में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और किस पे कम फोकस करने की जरूरत है। तो नाउ स्टार्टिंग विद इलेवंथ क्लास, इसमें रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क एनर्जी, इन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा फंसते हैं आई एन पी एच ओ में, आई पी एच ओ में, एनएसईपी में, सब में। तो इनमें आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो सेकंड स्टेज होता है उसमें बहुत ज्यादा आती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो है एस सी वर्मा को आप फॉलो कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दोनों, इरिडो प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक डेविड मॉरन की बुक आती है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, नॉट पूरी मत करिए, कुछ पार्ट उसका करिए, सेक्टर बहुत सारी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना मत भूलिएगा, अप टू 15 ईयर्स, 15 साल पुराने तक तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लगाइए, किस क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के पूछते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन देम। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है।